नमस्कार, मैं रेखा। मेरी सुपर रसोई में आप लोगों का स्वागत है। और सबसे पहले महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गर्मियों में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला बादाम मिल्क शेक। और टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्दी भी होता है और एकदम बाजार जैसा बनाएंगे, क्रीमी टेक्सचर वाला। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं बादाम मिल्क शेक। तो देखिए, बादाम मिल्क शेक बनाने के लिए यहाँ 1 लीटर दूध लिया है मैंने, और मैंने फुल फेट वाला दूध लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, उबाल आने देते हैं। तो यहाँ मैंने बॉयल दूध लिया है, आप चाहे तो कच्चा ले सकते हैं। तो इसे उबलने देती हूँ और इसे बार बार थोड़ा हिलाते रहेंगे ताकि जो दूध है वो नीचे जाकर बैठे ना। और इसे इस तरह से हिलाइए। तो चलिए इसे पकने देते हैं और बादाम के बारे में बता देती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने रात को 20 से 25 बादाम भिगोकर रख दिए थे। अगर आप बादाम भिगाना भूल गए हो तो आप क्या कर सकते हैं, गर्म पानी करके और आधे घंटे के लिए बादाम उसमें डाल दीजिएगा। अच्छे से भीग जाएंगे, यानी कि छिलके भी अच्छे से उतर जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, सभी के छिलके अच्छे से हटाकर इन्हें धोकर इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इन सबको छील लेती हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने सारे बादाम अच्छे से छील लिए हैं और धो भी लिए हैं। तो यहाँ पर मिक्सी का जार लिया है, तो जार में हमारे बादाम को डाल देते हैं। और यहाँ पर ले रही हूँ चीनी, और चीनी डाल रही हूँ यहाँ पर 4 चम्मच। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, मैं 4 चम्मच डाल रही हूँ। अब क्या करेंगे, दूध को देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, दूध अच्छे से उबल रहा है, बॉयल भी आ गया इसमें। तो अब क्या करेंगे, 2 चम्मच इसमें हमें दूध डालना है, जो हमने मिक्सी का जार लिया था जिसमें बादाम और चीनी डालकर रखी है। तो अभी इसे पीसना नहीं है, अभी इसे इस तरह से छोड़ देंगे ताकि बादाम भी थोड़े भीग जाएंगे और दूध ठंडा हो जाएगा। अब और इसे अच्छे से उबलने देते हैं। तो यहाँ देखिए, दूध अच्छे से उबल रहा है हमारा। तो अब क्या करेंगे, एक कटोरी लेंगे और उसमें 2 से 3 चम्मच दूध और अलग से निकाल कर रखेंगे। ये देखिए, मैंने कटोरी में दूध निकाल लिया है और दूध को स्लो गैस पर पकने देते हैं। अब गैस को मैंने स्लो कर दिया है और साइड में जो मलाई होती है ना, इसे हटाकर दूध में ही डाल दीजिए। और यहाँ पर देखिए, इसमें फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ मैं केसर और 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर। अगर आपके पास केसर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब इसे अच्छे से उबलने देते हैं और इसे थोड़ा हिलाते रहिएगा बार बार में, और बढ़िया सा उबाल आने देते हैं। 4 से 5 मिनट के लिए इसे पकाना है हमें इसी तरह से। तो ये देखिए, 3 से 4 मिनट हो गई है और दूध किस तरह से गाढ़ा होने लगा है। तो चलिए इसे पकने देते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये बादाम अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। हमें क्या करना है, इसे पीस लेना है। और यहाँ पर जो हमने दूध बचाया था उसमें डाल रही हूँ मैं कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ मैं 1.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ, और ये वेनेला कस्टर्ड पाउडर है। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, बहुत ज्यादा मत डालिएगा, सिर्फ 1.5 चम्मच डालिएगा। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने इसे मिला दिया है, ये हमारा मिक्स तैयार हो गया है। और इस बादाम को हम पीस लेते हैं। तो यहाँ देखिए, दूध भी हमारा पक चुका है, देखिए किस तरह से गाढ़ा होने लगा है। 4 से 5 मिनट हो गए इसे पकते हुए। अब इस समय इसमें डालने वाले हैं हम, यहाँ देखिए मैंने 2 बड़े चम्मच काजू और बादाम को इस तरह से पीस लिया है, देखिए थोड़ा मोटा मोटा रखा है। और इसमें दूध में डाल देते हैं हम, ताकि अच्छे से इसके साथ ही पक जाए और थोड़े सॉफ्ट हो जाए। और 2 से 3 मिनट के लिए इसे फिर से पकने देते हैं। और गैस को मैंने स्लो कर रखा है, तेज नहीं किया है, देखिए स्लो गैस पर ये बहुत बढ़िया पकेगा, एकदम मंदी मंदी आंच पर। तो इसे पकने देते हैं, देखिए दूध हमारा थोड़ा थिक भी होने लगा है। और जो साइड में मलाई है ना, इसे अच्छे से कुचच कर इसमें डाल दीजिएगा, बहुत ही गजब लगती है। तो इसे पकने देते हैं। अब यहाँ देखिए, दूध अच्छे से पक चुका है, देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। और जो बादाम वगैरह काजू हमने डाले थे वो भी अच्छे से थोड़े थिक होने लगे हैं। तो यहाँ पर जो हमने कस्टर्ड पाउडर का घोल बनाकर तैयार रखा था, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। और एक साथ मत डालिएगा, वरना क्या होगा, ये थिक हो जाएगा एकदम से। और गैस को स्लो रखिएगा, तेज मत कीजिएगा। तो जो भी हमने सारा प्रोसेस किया है, गैस स्लो करके ही पकाया है, दूध को जितना भी पकाया है ना, उससे क्या होता है, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो यहाँ पर देखिए, सारा बैटर इसमें डाल देती हूँ, ये देखिए। और 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका लेते हैं, ताकि जो कस्टर्ड पाउडर कच्चा कच्चा नहीं लगेगा और अच्छे से पक जाएगा, तो टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। और जो हमने बादाम का पेस्ट बनाकर रखा था वो भी अब ऐड करेंगे। यहाँ देखिए, ये अच्छे से पक चुका है। तो चलिए इसमें बादाम का पेस्ट डाल देते हैं। ये देखिए, बादाम और चीनी और दूध का जो पेस्ट हमने बनाकर रखा था वो इसमें डाल देते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ जार में थोड़ा बहुत लगा हुआ है, मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा दूध इसमें डालकर और घोल कर इसी में डाल देते हैं, ये देखिए। और अब इस 3 से 4 मिनट के लिए इसे और पकाते हैं, ताकि बादाम भी अच्छे से पक जाए
और फूल भी जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए इसे पकाएंगे और कलर देखिए इसका कितना बढ़िया है, एकदम बाजार जैसा है। और यहाँ मैंने 1 चम्मच चीनी और डाली है क्योंकि मुझे मीठा थोड़ा कम लग रहा था, मैंने चेक किया था। अगर आप चाहे तो इतना ही रख सकते हैं, आप टेस्ट करके देख सकते हैं। और अगर आपको कोई पीसेस मोटा लगे इसमें बादाम का तो आप उसे निकाल सकते हैं या रहने भी दे सकते हैं। मैं इसे निकाल रही हूँ और 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये बढ़िया से पक चुका है। अब क्या करना है, आपको इसे अलग बर्तन में निकाल लेना है और निकालने के बाद आप इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। और आपको ऐसे ही इसकी थिकनेस रखनी है वरना ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और देखिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, लग रहा है ना एकदम टेस्टी। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ और ठंडा ठंडा बहुत गजब लगता है ये। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ मैंने 2 गिलास लिए और इनमें भर देते हैं हमारा बादाम मिल्क शेक और इसे थोड़ा सा गार्निश करेंगे बादाम की कतरन से और पिस्ते से। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए ठंडा ठंडा बादाम मिल्क शेक तैयार है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।